नमस्कार न्यूज़ क्लिक के डेली राउंडअप में आपका स्वागत है आइए नजर डालते हैं एक बार हेडलाइंस पर कोरोना अपडेट देश में 24 घंटों में 1007 नए मामले 23 लोगों की मौत ना भरपेट खाना है ना पानी ये क्वारंटाइन है या जेल क्या लॉकडाउन के बिना लाखों कोरोना के शिकार होते तो स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में अभी तक कुल संक्रमितों की संख्या तेरह पहुंच गई है जिसमें से अभी तक एक हजार लोगों को स्वस्थ किया जा चुका है लेकिन चार लोगों की मौत भी हुई है देश में अभी भी 11,201 सक्रिय मामले मौजूद हैं पिछले 24 घंटों में यानी 16 अप्रैल सुबह आठ बजे से लेकर 17 अप्रैल सुबह आठ बजे तक कोरोना संक्रमण के 1,007 नए मामले सामने आए हैं साथ ही दो लोगों को स्वस्थ भी किया जा चुका है 23 लोगों की मौत हुई है और 724 नए सक्रिय मामले जुड़ गए हैं अगर हम रात भर यानी 16 अप्रैल शाम पाँच बजे से लेकर 17 अप्रैल सुबह आठ बजे तक की बात करें तो बासठ फीसदी नए मामले रात में ही आए हैं और 17 लोगों की मौत हुई है भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार सोलह अप्रैल रात नौ बजे तक तीन लाख दो हजार नौ सौ छप्पन सैंपल की जांच की गई है जिनमें से सत्ताईस हजार दो सौ छप्पन सैंपल की जांच बीते चौबीस घंटों तो में ही की गई है जिनमें से एक हजार दो सौ छह कोरोना पॉजिटिव मामले पाए गए सबसे अधिक नए मामले महाराष्ट्र गुजरात मध्य प्रदेश और राजस्थान से सामने आए हैं साथ ही महाराष्ट्र कोरोना से प्रभावित राज्यों में पहले नंबर पे जिसमें दो नए मामले के साथ संक्रमितों की कुल संख्या 3205 पहुंच गई गुजरात से एक नए केस सामने आए हैं मध्य प्रदेश से एक राजस्थान से 108 और 70 मामले उत्तर प्रदेश से बासठ दिल्ली से तिरपन तेलंगाना छत्तीस कर्नाटका पच्चीस तमिलनाडु चौबीस पश्चिम बंगाल चौदह जम्मू और कश्मीर दस मामले बिहार से नौ आंध्र प्रदेश सात केरल दो आसाम और एक नया मामला लद्दाख से सामने आया है देश में सत्रह राज्य ऐसे भी हैं जिनमें कोई नया कोरोना पॉजिटिव मामला सामने नहीं आया है जिसमें हरियाणा पंजाब उड़ीसा उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड चंडीगढ़ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह गोवा मेघालय पुडुचेरी मणिपुर त्रिपुरा अरुणाचल प्रदेश मिजोरम और नागालैंड शामिल पहले तो भरपेट खाना नहीं मिलता था अगर मिलता है तो यह नहीं पता होता था कि अगली बार कब मिलेगा यहाँ पानी भी नहीं है तीन मजदूरों के लिए सिर्फ एक टैंकर पानी आता है उसी में पीना नहाना शौच के लिए जाना सब कुछ करना होता है यह कुछ ही घंटों में खत्म हो जाता है कैंपस में सिर्फ एक नल है जिससे बहुत कम पानी आता है ये बातें हमारे पत्रकार मुकुंद झा को बंगाल के 48 वर्षीय प्रवासी मजदूर मस्जिद हुसैन ने बताया उनके जैसे सैकड़ों मजदूरों को झारखंड के, के धनपाद में बी एस के कॉलेज में रखा गया है ये सभी लोग बिहार में निर्माण का काम करते थे बहुत मजदूर पूछते हैं कि ना भरपेट खाना है ना पानी ये क्वारंटाइन है या जेल लॉकडाउन के कारण इनका काम पूरी तरह से बंद हो गया है जिस कारण इनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है जिसके बाद इन सभी मजदूरों ने बिहार से अपने गृहनगर मुर्शिदाबाद की तरफ पैदल लॉन्ग मार्च शुरू कर दिया था लेकिन बॉर्डर सील होने के कारण इन्हें 30 मार्च को झारखंड पुलिस ने पकड़ लिया और तब से ही ये लोग सरकार द्वारा बनाए गए एक कैंप में रह रहे हैं यह कहानी किसी एक मजिद हुसैन या किसी एक राज्य की नहीं है लॉकडाउन के चलते लाखों मजदूर ऐसे ही अलग अलग राज्यों में फंसे हुए हैं ऐसे ही सैकड़ों की संख्या में मजदूर अपने परिवार सहित दिल्ली के टिकरी बॉर्डर के सर्वोदय स्कूल में फंसे हुए हैं ये सभी बिहार के प्रवासी मजदूर हैं ये लोग इसी स्कूल के निर्माण के लिए आए थे लेकिन अब इनके ठेकेदार ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं जिसके बाद इनके सामने खाने का संकट खड़ा हुआ है यहां फंसे हुए मजदूरों का कहना है कि सरकार द्वारा जो खाना यहाँ बांटा जाता है वो भी इन सभी लोगों को नहीं मिल पाता है और अगर मिलता भी है तो इतना कम कि पूरे परिवार का पेट भरना मुश्किल होता है ऐसे में इन मजदूरों की एक ही मांग है कि इन्हें अपने गांव भेजा जाए जहां कम से कम खाना तो मिलेगा कुछ इस तरह की कहानी गुजरात के सूरत में भी है वहां भी बड़ी संख्या में बंगाल और बिहार के निर्माण मजदूर फंसे हुए हैं उनके सामने भी भोजन का संकट है न्यूज़ क्लिक के प्रबीर पुरकास्थ बात कर रहे हैं कि देश में कोरोना के संक्रमण से व्याप्त हालात क्या हैं और पहले लॉकडाउन के परिणाम क्या हैं क्या दूसरे लॉकडाउन से देश को फायदा होगा आइए सुनते हैं प्रबीर को न्यूज़ क्लिक में आपका स्वागत है आज हम चर्चा करेंगे कोविड-19 में जो इस वक्त स्थिति है हमारे देश में खास तौर से जो दूसरी लॉकडाउन अभी घोषणा की गई है उसके नतीजे क्या निकल सकते हैं क्या यह सच था कि अगर ये लॉकडाउन नहीं होता तो लाखों लोग इसके शिकार होते इन सब चीज़ों के लिए चर्चा करने के लिए हम आपके साथ हैं तो पहली बात इसे शुरू करते हैं कि आज की स्थिति है क्या क्या सचमुच अभी जो हालात है वो बहुत अच्छे हैं या बहुत बुरे हैं तो इस वक्त अगर देखें हमारे जो संख्या है संख्या बहुत अच्छे नहीं है पर यह भी है कि बहुत देशों के मुताबिक बहुत देशों को अगर कंपेयर करें तो उसके हालात देखते हुए बहुत ख़राब भी नहीं है करीब बारह हज़ार से ज़्यादा लोग इस वक्त इन्फेक्टेड हैं तो आंकड़ों के अनुसार आईसीएमआर के आज सुबह की आंकड़े हैं जिसमें चार सौ चौदह की चौदह की मौत भी हुई है हमारे इसमें चौदह करीब पंद्रह सौ लोग इसे रिकवर कर चुके हैं और एक्टिव केसेस जिसे बताते हैं तो वो करीब दस साढ़े दस हज़ार की है पिछले चौबीस घंटे की ये आंकड़े हैं और हमने अभी तक दो लाख अट्ठावन हज़ार लोगों की टेस्ट की है जो गौर करने लायक चीज़ है वो है कि नए केसेस पिछले चौबीस घंटे में कितने निकले हैं वो करीब हज़ार के हैं नौ इस खबर के मुताबिक ICMR के सुबह तो के आंकड़ों के मुताबिक पर यह लगभग हज़ार के कमो बेश पिछले पाँच सात दिन से जा रहा है अभी भी बहुत रफ्तार कम हुआ है ये बढ़ा है ये बताना संभव नहीं है सरकार की जो घोषणा की गई है लॉकडाउन के उसके पीछे अगर जो बात बताई जा रही है वो देखें तो देख सकते हैं कि कुछ प्रांतों में कुछ प्रदेशों में हालत सचमुच इस वक्त थोड़ा सा थोड़ी सी नाजुक है इसमें तमिलनाडु महाराष्ट्र और दिल्ली सबसे आगे है इनके आंकड़े सबसे इस वक्त ख़राब नज़र आ रहे हैं इनमें हॉटस्पॉट्स कुछ नज़र आ रहे हैं और हॉटस्पॉट्स पर हम अभी तक काबू नहीं ला कर पाए हैं संख्या मौत की जो संख्या है चार है वो बहुत कम नहीं है हमारे टोटल इन्फेक्टेड को देखते हुए और अगर हम देखें इन्फेक्टेड जब होते हैं इन्फेक्शन के करीब बी दस पंद्रह दिन बाद वो ज़्यादा बीमार होते हैं तो उस स्थिति में मौत की संख्या बढ़ सकती है अगर मौतों की संख्या देखें तो कुछ प्रांतों में उसकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है ख़ास तौर से गुजरात जो कि इतना सारा इन्फेक्टेड नहीं दिखा रहा है राजस्थान इन सब जगहों पे मृतकों का संख्या भी काफ़ी हाई नज़र आ रहा है ख़ास तौर से कितने लोग बीमार हैं उसको देखती है अगर हम देखें कि जो सरकार कह रही है कि हमारा लॉकडाउन अगर नहीं होता तो बहुत सारे और लोग बीमार पड़ते उसके लिए कुछ आंकड़े और कुछ मॉडल्स भी बताई जा रही हैं। एक तो है कि इंडियन एक्सप्रेस जो दिखला है कि कर्व की फ्लैटनिंग है कुछ हद तक इसके लिए वो छः अप्रैल की लव, वक्त की जो कर्व है उसके आधार पे कह रहे हैं कि छः अप्रैल के बाद कर्व की थोड़ी सी फ्लैटनिंग दिखाई पड़ता है तो अगर हम देखें तो ये बहुत ही कम फ्लैटनिंग है तो इसको थोड़ा बारीकी से हम देखेंगे जब हम हमारे लॉन्ग टर्म ग्रोथ ट्रेंड्स क्या है उस पर नज़र डालेंगे चित्र आपके सामने है वो देखें चार्ट जो है उस पर देखेंगे कि जो दुनिया में जो देश है जिस रफ्तार से बढ़ रहे हैं तो उसमें हम बहुत अलग नहीं चल रहे हैं हमारी रफ्तार भी क्योंकि हम कुछ पीछे हैं जर्मनी मलेशिया फ्रांस वगैरह से काफ़ी पीछे है तो उसके हिसाब हिसाब से हम आंकड़े में इनके पीछे हैं तो जो डबलिंग रेट है हमारी वो चार और पाँच दिन के बीच में है जो कि बहुत और सारे देशों की भी है तो उसको देखते हुए लॉकडाउन से गिरावट तो आई है पर कितनी गिरावट आई है और क्या सचमुच गिरावट के वजह से हम इस पर अभी काबू पा लिए हैं ये साफ तस्वीर नहीं है पहले की अगर तस्वीर देखें तो भारतवर्ष के मलेशिया पहले आगे था अब जो है हम मलेशिया से काफ़ी आगे निकल चुके हैं इसका मतलब मलेशिया में सचमुच एक कर्व की फ्लैटनिंग दिखाई पड़ रही है हमारे यहाँ कर्व की फ्लैटनिंग उस हिसाब से बहुत कम है करीब चार दिन से आप साढ़े चार दिन की लगभग हुई है तो ये बहुत ज़्यादा एक सफलता नहीं मानी जा सकती इस वक्त अगर हम प्रदेशों की बात करें तो उस पे देखेंगे हालात उससे और भी थोड़ी ख़राब है ख़ास तौर से महाराष्ट्र दिल्ली तमिलनाडु जो सबसे आगे है तो वो काफ़ी रफ्तार से इस वक्त बढ़ रहे हैं उनकी चार साढ़े चार के बीच में उनकी बढ़ोतरी है और इसमें तेलंगाना थोड़ा नीचे आ गया है महाराष्ट्र थोड़ा नीचे की तरफ जा रहा है पर दिल्ली और तमिलनाडु की वृद्धि अभी भी काफ़ी आगे है हो सकता है इनकी भी फ्लैटनिंग अगले दो तीन चार दिन में दिखाई पड़ेगा पर अगर उत्तर प्रदेश देखें गुजरात देखें मध्य प्रदेश देखें इनकी भी काफ़ी रफ्तार से बढ़ोतरी हो रही है तो इसको देखते हुए तस्वीर इस वक्त साफ नहीं है कि हम कह पाएँ कि हम सचमुच इस महामारी के ऊपर काबू पा लिए हैं अब हम आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो बोला है कि अगर लॉकडाउन हम नहीं करते तो करीब आठ लाख के ऊपर लोग इस बीमारी के शिकार होते अगर हाँ, लॉकडाउन के साथ साथ हमने और कार्रवाई नहीं की होती तो सवा लाख के करीब लोग इस पे बीमार होते और क्योंकि दोनों कदम हमने ली है इसीलिए हमारी संख्या काफ़ी कम रही ये इनका कहना था करीब अप्रैल सात आठ के आंकड़ों को देखते हुए हम अगर इस चीज़ इस चीज़ को देखें तो एक चीज़ देखेंगे कि उन्होंने किस आधार पे ये तथ्य बताए हैं इसके लिए उन्होंने कुछ नहीं बताया कोई डिटेल्स नहीं बताया न कि बताया कि ये कौन से मॉडल उन्होंने चलाया है किसने चलाया है कहाँ की रपट है इसके बारे में उन्होंने उन्होंने कुछ जनता के साथ शेयर नहीं किए तो मॉडलिंग से आप अपना जस्टिफिकेशन मत दीजिए मॉडलिंग मॉडलिंग रिजल्ट्स को आप हमारे सामने रखिए मॉडल्स को भी बताइए कौन सा मॉडल्स है तब हम देख सकते हैं उसके सामशंस क्या है और उसको क्या अदला बदली करना चाहिए हमारे इस वक्त जो स्थिति है उससे मिलाने के लिए दूसरी बात आते हैं कि अगर आप इस तरह के लॉकडाउन करते हैं तो आपके कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं जिम्मेदारियां ये है कि लोगों के पास अब खाना पहुंचाए, आप लोगों के लिए आपके जो गोदाम में जो फूड स्टॉक्स बंद है उसको आप वहाँ से ट्रांसपोर्ट करें और राशन शॉप से पहुँचाएँ राशन शॉप से लोगों के घर पहुँचाएँ लोगों के पैसे की भी ज़रूरत है कम्युनिकेशन के लिए फ़ोन के पैसे भरने के लिए और भी बहुत सारी ज़रूरतें हैं जो जिसके अलावा इंसान गुजारा नहीं कर सकता तो उसके लिए उनके पॉकेट में पैसे कैसे पहुँचाएँ तो खाने का रसद जो है वो दुकान से लोगों के घर कैसे पहुंचे और साथ साथ ऐसे इंडस्ट्रीज जिसकी सख्त ज़रूरत है जैसे आपके दवाई बनाता है मास्क और प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट बनाता है जो खाने का रसद इधर उधर करने के लिए बैग्स बनाता है जिसके ज़रिए आप सामान पहुंचा सकते इन सब इंडस्ट्रीज़ को एसेंशियल इंडस्ट्रीज़ मान के इसकी शुरुआत अगर नहीं होगी तो हमारी सप्लाई चेन पूरी तरह से रुक जाएगी अस्पताल की सेवाएं भी बंद हो जाए हो जाएगी सिर्फ बिजली पानी ही सिर्फ नहीं ये भी एसेंशियल सर्विसेज़ को मान के चलना चाहिए उसके साथ साथ हमारे सख्त ज़रूरत है हॉटस्पॉट्स को आइडेंटिफाई करना कहाँ लोग बीमार है उनको आइडेंटिफाई करना और ये ना करें एक डिस्ट्रिक्ट को आपने बंद कर दिया डिस्ट्रिक्ट में भी हॉटस्पॉट्स अलग अलग जगह है जैसे पुणे डिस्ट्रिक्ट अगर है हॉटस्पॉट है या पुणे के शहर की कुछ इलाके हॉटस्पॉट्स है क्या पुणे के रूरल एरियाज़ में बीमारी फैली है या शहर में ये इस तरह से लॉकडाउन न करें कि सब कुछ आपने लॉकडाउन कर लिया जहाँ पर हॉटस्पॉट्स है उसी को आइडेंटिफाई करके लॉकडाउन करना चाहिए अगर करना चाहते हैं तो और उसके साथ साथ और भी मेजर्स लेने ले चाहिए तो इस तरह से हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई करने के लिए हमारी टेस्टिंग बहुत भारी पैमाने पर बढ़ाने की ज़रूरत है अगर हम देखें अभी भी भारतवर्ष की पर मिलियन टेस्ट्स दुनिया में सबसे कम की तरह है और जब तक हम इसको काफ़ी आगे नहीं बढ़ाएंगे हम अभी भी टेस्टिंग में बहुत पीछे रहेंगे इसको सिर्फ़ एक लॉ एंड ऑर्डर की तरह ना सोचे ना सोचे कि और तीन हफ्ते के बाद बीमारी ख़त्म हो जाएगी ये बीमारी जो आई है कुछ महीने हो सकता छः महीना नौ महीना एक साल तक चले तो इसके साथ साथ जूझने के लिए पूरी समाज को मोबिलाइज़ करनी पड़ेगी उसके साथ साथ हमें अपने अगल इस्तेमाल करके सिलेक्टिव मेजर्स लेके इंडस्ट्री इकोनॉमी को फिर रिवाइव करनी पड़ेगी उसके साथ साथ जो गरीब लोग हैं अस्सी प्रतिशत भारत वर्ष की हाउस होल्ड गरीब बनी जाएगी उनको कैसे हम सहूलियत पहुँचा सकते उसकी कार्रवाई करनी चाहिए उसके बारे में हमने दूसरे लोगों से बातचीत किए हैं विशेषज्ञों से बातचीत किए हैं और आपके सामने ऐसे बातचीत फिर लाएंगे क्योंकि हमारे साथ एक कोविड नाइन्टीन महामारी अब कुछ दिन रहने के लिए रह, कुछ दिन के लिए रहेगा और ये बातचीत भी हमारी जारी रहेगी आज के डेली राउंड में बस इतना ही इन सभी खबरों को विस्तार में जानने के लिए आप जा सकते हैं न्यूज़ क्लिक की वेबसाइट पर हमें फ़ॉलो कीजिए ट्विटर फेसबुक और इंस्टाग्राम पर और सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर धन्यवाद